क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरी सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन चैनल तक जहां भी देखिए आप लोग, आजकल केरल में गर्भवती जो हाथी थी जिसकी मौत हो गई है, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर तांडव हो रहा है। और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो भी जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। उस हाथी के साथ जो भी हुआ है वह बिल्कुल अन्याय हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसा जो करने वाले लोग हैं, अगर उन लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और सजा भी वह मिलनी चाहिए कि कम से कम उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर वो मेनका गांधी और इमृति ईरानी, मैं उनको इमृति ईरानी कहता हूं क्योंकि उनका नाम थोड़ा सा कठिन है और मैं एक किसान आदमी हूं, तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से पूरा जो है ट्रोल हो रहा है कि एक हाथी मारी गई, उस पर पूरा तांडव हो रहा है, होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी से कि वह स्मृति ईरानी उस समय कहाँ थी जब इस देश के अंदर गर्भवती महिलाएं भूख से तड़प तड़प करके मर जाती है, और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं धरी रह जाती है। मैं मेनका गांधी से पूछना चाहता हूं कि वो भी एक महिला है, लेकिन इस देश के अंदर जो भी महिलाएं हैं, मेनका गांधी भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उनकी राजनीति जो विरासत है वह भी उत्तर प्रदेश से है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, और वह लगातार हो रही है, ये हाथी की तो एक हाथी की मौत हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर डेली जो है गरीब की बेटियां, किसानों की और मजदूरों की मारी जा रही है, उनके साथ रेप हो रहा है, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, लेकिन इनकी जुबान से आवाज नहीं निकलती है, ये चुप हो जाती है, ये बोलती वहां है जहां इनकी सरकार नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है कि योगी के खिलाफ एक भी शब्द ये बोल सके। लेकिन एक केरल में इसलिए बोलते हैं कि केरल में विपक्षियों की सरकार है, और विपक्षियों को घेरना अगर कोई सीखे तो स्मृति ईरानी से सीखे और मेनका गांधी से सीखे। जब आप लोगों ने देखा होगा कि कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो ये लोग सड़क पे तांडव करते थे, और अगर आज अगर इनके विरोध में कोई अगर गैस सिलेंडर 1,000 रुपए हो गया, कोई अगर विरोध करता है तो उसको कहते हैं कि ये तो देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो ये घटिया और घिनौनी राजनीति अगर कोई सीखे तो भाजपाइयों से सीखे। मैं ये कहता हूं कि जो लोग उस हाथी मारे हैं उनको होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उस पर तो इन लोगों को बल चाहिए। बिहार में जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, वहां नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, वहां तो बोलना चाहिए। यही आप लोगों ने देखा होगा सफूरा जरगर, जो कि एक छात्रा थी, वह गर्भवती हो गई थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से गलत ट्रोल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये देखिए ये बेस्याएं हैं, ये बेहया है, यानी क्या क्या शब्द से नवाजा जा रहा था उनको। उस समय इन लोगों का जो है आत्मसम्मान नहीं दिखाई दिया, और न तो उसमें जो है स्मृति ईरानी बोली और न तो मेनका गांधी बोली। जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करें, टाइमलाइन पे शेयर करें, और लोगों को इनवाइट करते रहें, लोग अधिक से अधिक जुड़ते रहें। भाजपाइयों की पोल खोलनी है, क्योंकि ये गंदा और घिनौना काम करते हैं, और इन लोगों ने जो आईटी सेल के माध्यम से लोगों को ट्रोल करने का काम करते हैं, फर्जी आईडी बना के लोग गाली गलौज करने का काम करते हैं, उनसे आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये 90 पैसे में काम करने वाले निकम्मे और निठल्ले लोग हैं। इनके बाप दादा क्या करते थे, वो देश के साथ गद्दारी किए थे, गद्दारी करते थे, और ये भी गद्दारी करेंगे। अगर आप किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, तो आपको ये लोग देशद्रोही बताएंगे और गद्दार बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग अगर पूंजीपतियों के फायदे की बात करेंगे तो ये लोग आपकी वाहवाही करेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी प्रकाश जावड़ेकर ये कह रहे थे कि मरने वाली हाथी वायनाड में मरी है,
राहुल गांधी से जोड़ रहे थे, अरे शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उस समय ये लोग क्या कर रहे थे, जब सड़क पे मजदूर पैदल चल रहे थे और गर्भवती महिलाएं सड़क पे चल रही थी, और वह गर्भवती महिलाएं पेड़ों के नीचे बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर थे। उस समय प्रकाश जावड़ेकर जैसे लोग महाभारत देख रहे थे घरों में बैठ के, एसी चला के, और रामायण देख रहे थे। उस समय इनको शर्म नहीं आ रही थी कि आखिर ये मजदूर जो है ये पैदल क्यों चल रहा है, ये भूख से तड़प क्यों रहा है, ये मर क्यों रहा है। कम से कम अब तक लॉकडाउन में 10,000 से अधिक लोगों की मौत होगी, वो भूख से हुई होगी, या रेल की पटरियों पर ट्रेन चढ़ गई होंगी उससे हुई होगी, और या तो ट्रकों में भिड़ंत से हुई होगी, और या तो उनके ऊपर ट्रक चढ़ गई होगी। यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों को भी मौत हो गई, उनको भी इन लोगों ने एक बार भी सहानुभूति देने का काम नहीं किया, या पैदल जो लोग चल रहे थे मर गए उनको जो है इन लोगों ने सहायता देने की बात नहीं की। छोटी सी बच्ची 12 साल की बच्ची गुरुग्राम से लेके बिहार तक साइकिल चला के 1200 किलोमीटर वो चली गई। उस समय जो है मेनका गांधी और स्मृति ईरानी को दिखाई नहीं दिया था, लगता है कि इनको मोतियाबिंद हो गया था, उस समय इनकी नजर मोटी हो गई थी, इनको दिखाई नहीं पड़ा था। और आज जब केरल की बात आती है तो एम्स में जाकर के इनके आंखों में रोशनी बढ़ा दी गई, लगता है डॉक्टरों ने इनकी आंख का ऑपरेशन कर दिया। अरे घटिया और घिनौनी राजनीति बंद करो। इस देश के अंदर कभी तुमने किसानों के बारे में सोचा, कभी मजदूरों के बारे में सोचा? और मैं आपको और बताना चाहता हूं कि प्रकाश जावड़ेकर कह रहे थे कि जो हाथी मरी है वो वायनाड के पास मरी है, ये राहुल गांधी का क्षेत्र है। मैं ये बताना चाहता हूं कि केरल में मरने वाली हाथी के लिए तुम लोग गंदी और घिनौनी राजनीति कर रहे हो। अगर करना था तो कम से कम इतना करते कि जो लोग आरोपी थे उनको गिरफ्तार करवाते, सीबीआई लगा देते, इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा देते। अरे सारी संस्थाएं तुम्हारे हाथों में है, तुम ये कर देते। तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, सीबीआई है, एलआईयू है, क्या नहीं है, वो सारी जांच करा सकते थे और उनको जेल भेजने का काम कर सकते थे। लेकिन यही लोग जो लोग आज कह रहे हैं कि हाथी मरी है तो वन्य जीव संरक्षण के तहत विरोध करने का काम कर रहे हैं, यही घिनौने और गंदे लोग हैं। कि हिमाचल में आप लोग देख लीजिए कि वहीं भाजपा की सरकार है, और जो ये खुला आदेश है वहां कि जो एक बंदर को मार के लाओ और 1,000 रुपए लेके जाओ। बताओ बंदर बजरंगबली है? ये हम नहीं कहते, यही लोग कहते हैं कि बंदर बजरंगबली है। ये लोग बजरंगबली की हत्या करा रहे हैं 1,000 रुपए के लिए। 1,000 रुपए देते हैं कि बजरंगबली को मार के ले आओ, 1,000 रुपए लेके जाओ। तो इनकी घटिया और घिनौनी राजनीति आखिर ऐसा क्यों? यानी बंदर जो है वो बंदरों को मारना जो है वो पाप नहीं है, बंदर वन्य जीव प्राणी नहीं है, बंदरों की हत्या होगी। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, गौरक्षा के नाम पर लोगों की मूव लिंचिंग करते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों का जो मांस का इम्पोर्टर है, जो बीफ का इम्पोर्ट है, जो सलाटर हाउस चलते हैं, सबसे ज्यादा इन भाजपाइयों के चलते हैं। इनके सलाटर हाउस में एक गौवे कटने का काम करते हैं। यह आप मैं नहीं कह रहा हूं, ARTI के जरिए आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा गाय काटने के जो सलाटर हाउस है वो इन्हीं लोगों के पास है। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा एक बार कि आप लोग प्लीज एक बार इसको ग्रुपों में शेयर करें, और जावड़ेकर जैसे लोगों को, स्मृति ईरानी जैसे लोगों को, और मेनका गांधी जैसे लोगों को आप लोग बताने का काम करिए कि आप लोग सिर्फ हाथी पर राजनीति करते हैं कि जो केरल में मारी गए, उत्तर प्रदेश के अंदर मरने वाले जो बहन बेटियां हैं, जो उत्तर प्रदेश लगातार हत्याओं का प्रदेश बन चुका है, वो चाहे पुष्पेंद्र यादव का फेक इनकाउंटर हो, यानी पुलिस के द्वारा भी लोगों का फेक इनकाउंटर किया जाता है, और विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि विपक्ष का बूता नहीं है कि वो जो है सत्ता पक्ष का विरोध कर ले। इनके पास ऐसे प्रवक्ता हैं कि उनको जवाब देते नहीं बनता है। मैं एक खुला चैलेंज करता हूं कि चाहे संबित पात्रा हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे गौरव भाटिया हो, अगर उनको डिबेट करना है तो ये हाथी पे डिबेट कर सकते हैं। मैं इनकी न बोलती बंद कर दिया तो बताइएगा। मैं ये कहता हूं कि हाथी को मारने वाले लोगों को जेल होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। लेकिन जो आज
पूरे देश के अंदर लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, और जो सड़कों पे हजारों लोग पैदल चल के लॉकडाउन में जो मौत का शिकार हो गए, बीमारी से नहीं मरे, भूख से मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, ट्रक पलटने से मर गए, उनके ऊपर रेलगाड़ी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।